हेलो गाइस, वेलकम टू राजदीप क्लासेस। आज हम एक्सेल के इस ट्यूटोरियल में सीखने वाले हैं पिवट टेबल का यूज कैसे करें, जिसके लिए हमने कुछ डेटा यहाँ पे तैयार कर लिया है। यहाँ पे नेम, मंथ, ईयर और सेल, यानी ये किसी व्यक्ति का नाम है, ये मंथली नेम है और ईयरली है और ये सेलिंग प्राइस है। इसमें से देख रहे हैं कि कुछ डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, जैसे यहाँ पे हमारी यहाँ पे 42 तक डिटेल्स दी गई है। अगर इसको आपको फिल्टर करना होता, छांटना होता कि पर व्यक्ति का पर मंथली वाइज सेलिंग को फिल्टर करना है या ईयरली वाइज को फिल्टर करना है, तो ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन पिवट टेबल का यूज करके बहुत आसानी इसको फिल्टर किया जा सकता है। तो आइए सीखते हैं कि हम पिवट टेबल का यूज कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने पूरी सेल टेबल को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे जितने भी डेटा आपने लिखा हुआ है। फिर आपको जाना है इंसर्ट पे, देन आपको आ जाना है पिवट टेबल पर, क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा रेंज है टेबल का वो सिलेक्टेड हो चुका है। यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन में है चूज वेर यू वांट टू पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, यानी जो अपनी पिवट टेबल का रिपोर्ट देना चाहते हैं वो क्या आप इसी सीट पे देना चाहते हैं कि न्यू सीट लेना चाहते हैं। अगर आप इसी सीट को लेना चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग वर्क सीट को सिलेक्ट करेंगे, लोकेशन आप किसी एक्सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और लोकेशन यहाँ पे दे देंगे कहाँ से आपकी रिजल्ट शो करेगी और यहाँ से कर लेंगे ओके। ओके करते ही देख रहे हैं कि पिवट टेबल का एक एनालिसिस तैयार होके आ गया है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कोई वर्क अभी हुआ नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल आपका केवल फील्ड ही तैयार हुआ है। अब इसमें से फिल्ट्रेशन करना है। मान लीजिए कि आप चेक करना चाहते हैं कि जो हमारे सेलिंग हुई है पर ईयर कितना हुई है, तो इसको हम छांटने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ईयर पे आपको क्लिक कर लेना है। ईयर पे जो है क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरे ईयर में कितना आपको सेलिंग हुई है वो कैलकुलेट होके आ गई है। और यहाँ पे फिर से आपको सेलिंग भी कैलकुलेट करनी है, तो सेल को जो है कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे सेल का भी आ गया, लेकिन ये दोनों वैल्यू सम में ही आ गए, जबकि हमें क्या करना था, ईयर को कैलकुलेट नहीं करना है, हमें सम को वाली कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेशन ऑप्शन से क्या कर लेंगे, यहाँ से हटा लेंगे। तो ये आपकी जो एरिया शो कर रही है, यहाँ पे जो वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन जिस वैल्यू को करना है वो हम रखेंगे वैल्यूज में, और जिस वैल्यूज का करना है वो रखेंगे, जिसका कैलकुलेट नहीं करना है वो रखेंगे हम रोज में, और जिसको फिल्टर करना है वो फिल्टर्स में रखेंगे और यहाँ पे कॉलम में रखेंगे। तो यहाँ से हम कुछ डेटा को यहाँ उठा के रख लेंगे। तो यहाँ पे हमें नंबर ये कैलकुलेट करता है, तो नंबर वाइज हमें ईयर को कैलकुलेट नहीं करना था, हमें वाली सेल को कैलकुलेट करना था। तो यहाँ पे ईयर का ऑप्शन को उठा के हमें रो में लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पर ईयर वाइज हमारी कितनी कैलकुलेशन हुई, सेलिंग हुई है वो कैलकुलेट करके यहाँ पे आपको दिखा दी गई है, यानी आपको ईयर का कैलकुलेशन नहीं किया गया है। इसके पहले आप देखे थे कि ईयर का भी कैलकुलेशन किया गया था। अब मान लीजिए कि आपको देखना है कि ए बी सी पर ईयर किस किस पर ईयर मंथ में, मंथ वाइज आपको अब कैलकुलेशन करनी है कि पर पर्सन पर मंथ में कितना सेलिंग किया हुआ है, इसको अगर चेक करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ईयर का चेक मार्क हटा लेंगे और यहाँ पे मंथली पे चेक मार्क आप लगा लेंगे, सॉरी नेम पे चेक मार्क लगा लेंगे। यहाँ पे जो है क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि ए ने पूरे ईयर को कैलकुलेट किया है, यानी ए ने कितना सेलिंग किया है, बी ने कितना सेलिंग किया है, सी ने कितना सेलिंग किया है। तो यहाँ पे इनकी पर पर्सन वाइज सेलिंग आपको दिखा दी गई है बहुत आसानी से। ये थोड़ा सा समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक दो बार करेंगे आप तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। अब यही डेटा आप मंथली वाइज कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो मंथली वाइज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, नेम से चेक मार्क हटा लेंगे और मंथ पे आप क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जनवरी में कितना हुआ, फरवरी में कितना हुआ, मार्च में कितना हुआ, तो ये टोटल हमारी डेटा कैलकुलेट होके आ गई है। लेकिन अब आप चाहते हैं कि केवल हमें जनवरी और फरवरी का हमें कैलकुलेशन चाहिए, यानी उसकी सेलिंग चाहिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका फिल्ट्रेशन ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करते ही आपका पूरा मंथ की डेटा यहाँ पे शो कर रही है। तो यहाँ से आपको किसका चाहिए, तो ऑल चेक मार्क से चेक मार्क हटा देंगे और यहाँ से जनवरी और फरवरी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर लेंगे ओके। ओके करते ही देख रहे हैं कि केवल जनवरी और फरवरी की डेटा आपको कैलकुलेट होके आ गई है। फिर यहाँ पे जाएंगे और ऑल सिलेक्ट पे चेक मार्क लगा के ओके कर देंगे तो पूरी डेटा आपको शो करने लगेगी। अब आप चाहते हैं कि केवल
सी की या बी की या ए की पूरे महीने की सेलिंग की डिटेल्स आपको चाहिए, तो इसके लिए आप नेम पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। नेम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ए द्वारा जनवरी में की गई सेलिंग सबके द्वारा कितनी है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ से फिल्टर करना है, तो आप नेम बॉक्स को उठाएंगे और यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन में डाल देंगे। डालते ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नेम का ऑल डिटेल्स यहाँ शो करने लगा है। इसमें से हम फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर करने के लिए हमें किसी पार्टिकुलर एक दो लोग का डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे हमें करना होगा क्लिक। मान लीजिए सी का वन लिख करना है, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर लेंगे क्या। ओके ओके करते ही देख रहे हैं कि सी द्वारा की गई सेलिंग पर मंथ किस किस मंथ में कितनी कितनी सेलिंग की गई है, यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करके दे दिया गया है। अगर यही चीज आपको बी के द्वारा किया गया होता तो बी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर लेंगे ओके, तो बी के द्वारा यहाँ आपका शो करने लगा है। एक चीज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे केवल हम रोज में नहीं ले सकते हैं, अगर इसी वैल्यू को आप कॉलम में लेकेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाएगी आपकी, कॉलम में कुछ लंबे में शो करती है। बेस्ट है कि हम क्या करेंगे, इसको रो में ही रहने देंगे। ये डेटा आप देख रहे हैं, बहुत आसानी से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है। अब हम चाहते हैं कि सी द्वारा की गई सेलिंग पर ईयर वाइज कितनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मंथ का ऑप्शन हटाएंगे और यहाँ पे ले लेंगे ईयर पे सेलेक्ट करेंगे, और ईयर को सिलेक्ट करके यहाँ कैलकुलेशन ईयर का नहीं करना है, इसलिए हम रोज में लिख चले आएंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं कि सी द्वारा सेल किया गया प्राइस हमारी पर ईयर वाइज कैलकुलेट होके आ गई है यहाँ पे, बहुत आसानी से। ये बहुत ही आसान होता है ऐसे कैलकुलेट करना। सपोज दैट आप ईयर के साथ साथ मंथली भी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो मंथ पे हम चेक मार्क लगाएंगे और मंथली चेक मार्क लगा के मंथ को हम क्या करेंगे, कॉलम में हम डिस्प्ले कर देंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि मंथली वाइज ईयरली वाइज भी कैलकुलेट होके आ गई है, यहाँ पे बहुत आसानी से डिस्प्ले हो गया है कि हमारा 2017 में सी द्वारा की गई सेलिंग किस महीने की है और टोटल कितनी है, 18 में कितनी है और 19 में कितनी है, 20 में कितनी, यानी किसी एक का जैसे चाहे वैसे मन चाह आप रिजल्ट निकाल सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब बात आती है कि पिवट टेबल को हम डिलीट कैसे करेंगे। ये तो कैलकुलेशन हमने कर लिया, तो डिलीट करने के लिए बहुत सिंपल तरीका होता है। आपको चले जाना है आपको यहाँ पे एनालिसिस में, यहाँ पे आएंगे सिलेक्ट, सिलेक्ट करने के बाद से इंटायर यहाँ पे पिवट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही सिंपली आपको अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस करना है, तो ये आपका ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। ये पिवट टेबल रहा बहुत ही आसान कैलकुलेट करना। आप थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट लगे तो आपको क्या करेंगे, दो तीन बार ट्राई करके देखेंगे। ये जो ट्यूटोरियल है, ये जो प्रैक्टिकल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी कंपनी में डेटा को फिल्टर करने में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही अपडेटेड वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपकी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।